नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट का फिजिकल कामकाज शुरू किए जाने के संदर्भ में एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है, तो उसी अपडेट के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो जी दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कोरोना की वजह से सुप्रीम कोर्ट का जो कामकाज है तो वो फिजिकल रूप से ना होकर वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है वो यहाँ पर हो रहा है। तो जी दोस्तों, इसी के चलते यहाँ पर एक बड़ी अपडेट, सुप्रीम कोर्ट का फिजिकल कामकाज शुरू किए जाने के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जो 7 जजों की समिति है तो उनके द्वारा जो है वो हाल ही में एक बैठक का आयोजन किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट का फिजिकल कामकाज शुरू किए जाने के संदर्भ में इस बैठक में जो है वो चर्चा भी की गई है। तो जी दोस्तों, इसी के संदर्भ में जो डिटेल अपडेट है तो उसके बारे में अभी हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले है। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो बड़ी अपडेट सुप्रीम कोर्ट के कामकाज शुरू किए जाने के संदर्भ में निकल कर आई है तो इसकी जानकारी आप सभी को मिल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और उसके बाद एक बेल का बटन भी आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फिजिकल कामकाज शुरू किए जाने के संदर्भ में ये जो अपडेट निकल कर आया है तो उसी अपडेट के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की जो समिति है तो वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट का सुचारू रूप से फिजिकल कामकाज शुरू करने के संदर्भ में गंभीरता से विचार कर रही है। तो जी दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इस अपडेट में बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट सीरियसली कंसिडरिंग फिजिकल फंक्शनिंग ऑफ कोर्ट एट लीस्ट फॉर 2 to 3 बेंचेस। तो जी दोस्तों, यहाँ पर काफी अच्छी खबर सभी जो सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के लिए इंतजार कर रहे हैं तो उनके लिए है। तो जी दोस्तों, यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल कामकाज शुरू होता है तो ऐसे में जो भी केसेस पेंडिंग है तो उनके ऊपर जो है वो सुनवाई हो सकती है, और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो केसेस है तो उनके ऊपर भी जो है वो सुनवाई हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो कामकाज है तो वो इस वक्त जो है वो वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहा है। ऐसे में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को भी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। तो जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का फिजिकल कामकाज शुरू किए जाने के संदर्भ में ये जो बैठक का आयोजन किया गया था तो उसी के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस हफ्ते का जो क्विज है तो उस क्विज के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। इस क्विज में मैंने आपको कुछ सवाल पूछे हैं, अगर आप इस क्विज में शामिल होकर सवालों का जवाब देते हैं तो आप में से मैं 2 विनर चुनूंगा, और इन दोनों विनर को 51 रुपए का प्राइज भी दिया जाएगा। इस क्विज में शामिल होने के लिए वीडियो के अंत में मैंने पूरी जानकारी दी हुई है, उस जानकारी को जानकर आप इस क्विज में जो है वो शामिल हो सकते हैं और 51 रुपए का प्राइज भी जीत सकते हैं। तो जी दोस्तों, ये जो क्विज है तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें पार्टिसिपेट कीजिए ताकि आपकी नॉलेज में भी यहाँ पर बढ़ोतरी हो सके और हो सके कि इस क्विज के जो है वो आप विनर भी हो सके। तो जी दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस डिटेल अपडेट में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं द्वारा भेजे गए संचार के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीश समिति कम से कम 2 से 3 बेंचों के लिए सामान्य रूप से कामकाज को अगस्त के 3rd सप्ताह से फिर से शुरू करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। 11 अगस्त को समिति द्वारा आयोजित एक बैठक में SCBA, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष को कहा गया है कि समिति से पर्याप्त एहतियाती उपाय करते हुए जल्द से जल्द सामान्य रूप से कामकाज शुरू करने का यहां पर आग्रह किया गया है। SCBA के अध्यक्ष दुष्यंत दवे द्वारा बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष और उनके द्वारा स्वयं समिति से आग्रह किया गया है कि 18 अगस्त से सुरक्षा के सख्त उपाय कर न्यायालय के भौतिक कामकाज को फिर से शुरू किया जाए। समिति ने हालांकि कहा कि विशेषज्ञ ने सिफारिश की थी कि भौतिक सुनवाई को 2 सप्ताह के बाद फिर से शुरू किया जाए और उस बिंदु पर नए सिरे से समीक्षा की जाए। इस पर बार प्रतिनिधियों ने कहा कि कोविड-19 की स्थिति 2 सप्ताह बाद कम या ज्यादा भी बनी रह सकती है, इसलिए यह आग्रह किया गया है कि न्यायालय पहले जल्द से जल्द अपने सामान्य कामकाज को फिर से शुरू करने पर विचार करे ताकि उत्पन्न होने वाली चुनौती का समाधान मिल सके। दवे जी ने बताया कि समिति ने माननीय मुख्य न्यायाधीश को अपनी सिफारिश करने का आश्वासन देते हुए कहा कि हम कम से कम 3 अदालत परीक्षण के लिए आधार पर शुरू कर सकती है।
उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष शिवाजी जाधव जी ने कहा कि माननीय न्यायाधीश समिति अगले सप्ताह से कम 2 से 3 सामान्य अदालतों को शुरू करने के लिए गंभीरता से विचार कर रही है और इस बीच रजिस्ट्री सामान्य कार्य के लिए अदालतों को तैयार करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि जब कोर्ट फिर से खोला जाएगा तो भौतिक अदालतों के साथ वर्तमान में होने वाली आभासी सुनवाई यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी शुरू रहेगी। वकीलों और वादियों के पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल होने का विकल्प होगा। कोर्ट का सामान्य कामकाज शुरू होने पर अदालतों में ऐसे केसेस की सुनवाई होगी जो कोविड-19 लॉकडाउन से पहले अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए गए थे। दवे जी के संदेश में कहा गया है कि बार प्रतिनिधि सुनवाई के लिए मामलों को तय करने के तौर तरीकों का सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीश समिति से भी मिले थे। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन द्वारा कहा गया है कि इन सुझावों पर अंतिम निर्णय 7 न्यायाधीशों वाली समिति द्वारा 1-2 दिन में लिया जाएगा। इस समिति में जस्टिस एनवी रमणा, अरुण मिश्रा, रोहिंटंग फली नरीमन, यूयू ललित, ए एम खानविलकर, डी वाई चंद्रचूड और एल नागेश्वर राव है। सुप्रीम कोर्ट में सामान्य सुनवाई फिर से शुरू करने का आग्रह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन इन दोनों द्वारा किया जा रहा है। इस आशय का एक संयुक्त प्रस्ताव भी 20 जुलाई को पारित किया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बार और बेंच को पहले बताया कि शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीश के सामने एक प्रमुख विचार छोटे पैमाने के वकीलों की कमाई में बाधा है। तो जय दोस्तों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फिजिकल कामकाज सुचारू रूप से शुरू किए जाने के लिए यहाँ पर ये जो बैठक है तो इस बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो कामकाज है तो अगस्त के 3rd हफ्ते में जो है वो शुरू किया जा सकता है। तो जय दोस्तों, यहाँ पर काफी अच्छी खबर सुप्रीम कोर्ट का फिजिकल रूप से कामकाज शुरू किए जाने के संदर्भ में निकल कर आई है। तो उसी खबर के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी है। तो जय दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का अगर फिजिकल रूप से कामकाज शुरू किया जाता है तो इससे जो है वो जो मामले सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही लंबित पड़े हुए हैं तो ऐसे मामलों पर जो है वो सुनवाई हो सकती है। तो जय दोस्तों, इसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो हायर पेंशन के मामले है तो वो भी जो है वो शामिल है। तो जय दोस्तों, ईपीएफओ द्वारा जो पुनर्विचार याचिका दी गई है, साथ में यहाँ पर यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा जो एसएलपी भी दायर की गई है तो इनके ऊपर भी जो है वो सुनवाई के लिए ईपीएस 95 पेंशन धारक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट का कामकाज जल्द से जल्द शुरू होता है तो ये जो पेंडिंग केसेस है तो इनके ऊपर भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो सकता है और इनके ऊपर कोई अंतिम फैसला आ सकता है, जिसका इंतजार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा किया जा रहा है। तो यह दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इसके बारे में सभी को पता चल सके। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि जो मैंने क्विज की बात बताई थी तो उसमें आप किस तरह से शामिल हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस हफ्ते की क्विज में आप किस तरह से शामिल हो सकते हैं, किस तरह से यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं तो उनको फॉलो करके आप जो है वो इस क्विज में अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो उसे अभी हम जान लेते हैं। तो जी हां दोस्तों, यह क्विज जो है वो 10 अगस्त 2020 से लेकर 15 अगस्त 2020 तक के लिए, यह जो क्विज है वो 15 अगस्त 2020 को क्लोज हो जाएगी और इस क्विज के जो विनर है वो 16 अगस्त 2020 को डिक्लेयर किए जाएंगे। तो जी हां दोस्तों, इस क्विज में मैंने 3 सवाल पूछे हैं, तो यहाँ पर जो है वो दोस्तों, इस क्विज का मकसद यह है कि आपकी जो नॉलेज है तो उसमें बढ़ोतरी हो सके। तो जी हां दोस्तों, साथ में यहाँ पर मैं कुछ प्राइस भी आपके लिए देने वाला हूँ, जैसे कि इस क्विज के 2 विनर रहेंगे तो उनको मैं 51 रुपए का प्राइस भी दूंगा। तो जी दोस्तों, आप इस क्विज में किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो जी दोस्तों, इस क्विज में जो सवाल पूछे गए हैं तो इन सभी सवालों के जवाब जो है आपको यहाँ पर देने हैं। सवालों के जवाब देने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे के रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप ये जो सवाल पूछे गए हैं तो इसका यहाँ पर ये जो शीट है तो वो ओपन कर सकते हैं। इस रिस्पॉन्स शीट पर आप आपके जवाब जो है वो दे सकते हैं। तो जी हां दोस्तों, यहां पर इस रिस्पॉन्स शीट में आपको जवाब देने के बाद यहां पर ये जो इंस्ट्रक्शन है तो इसके हिसाब से जो है वो कुछ काम करना है। तो जैसा कि यहां पर मैंने बताया है कि जो पूछे गए सवाल है तो उनके सही जवाब आपको देने हैं। उसके बाद यहां पर ये जो 3 नंबर का पॉइंट है तो यहां पर मैंने एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है तो उस वीडियो के लिंक पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद एक वीडियो यूट्यूब पर ओपन हो जाएगा, उस वीडियो के नीचे आपको एक कमेंट कर देना है। उसके बाद जो वीडियो आप ओपन करेंगे तो उस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये 2 काम आपको करने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने सभी सवालों के जवाब दे दिए पर आपने वीडियो के नीचे कमेंट नहीं किया
तो आपका पार्टिसिपेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो विनर है तो वह उनके लिए 51 रुपए का प्राइज भी दूंगा। तो जी हाँ दोस्तों, दो विनर मैं इस क्विज के पिक करने वाला हूँ, तो इन दोनों विनर को मैं 51 रुपए का प्राइस भी दूंगा। तो यह दोस्तों पिछले हफ्ते के जो विनर है तो वो मैंने डिक्लेयर कर दिए हैं, उनके लिए मैंने चैनल पर एक वीडियो डाल दिया है, वो वीडियो देखकर आप जो है वो उन विनर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए इस हफ्ते की जो क्विज थी तो उसी क्विज के बारे में मुझे आपको इस वीडियो में जानकारी देनी थी। तो जी हाँ दोस्तों, क्विज में आप किस तरह से शामिल हो सकते हैं तो उसके लिए मैंने बता दिया कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप ये जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो उनका जवाब देने के लिए ये जो रिस्पॉन्स शीट है तो वो आपके सामने ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको आपका ईमेल एड्रेस डालना है। ध्यान रखिए दोस्तों, आपका सही ईमेल एड्रेस ही आपको यहाँ पर डालना है, जो एक्टिव ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर डालना है, क्योंकि बाद में जो विनर होंगे तो मैं उनके ईमेल से ही यहाँ पर जो है वो रिप्लाई मांगूंगा, और मुझे जो विनर के यहाँ पर ईमेल रिसीव होंगे उन्हें मैं जो रिस्पॉन्स शीट में ईमेल आपने दिया था तो उससे कंपेयर करूंगा, यानी यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा कि जो मैंने विनर डिक्लेयर किए हैं उनका ही ईमेल मुझे आया है, ना बल्कि किसी दूसरे का। तो इसके लिए आपको यहाँ पर करेक्ट आपका ईमेल एड्रेस देना है, आपका करेक्ट नाम यहाँ पर देना है, उसके बाद यहाँ पर आपका जो सवाल है तो उसका आंसर आपको यहाँ पर देना है। तो इसमें यहाँ पर मैंने 3 सवाल पूछे। तो जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फिजिकल रूप से कामकाज सुचारू रूप से शुरू किए जाने के संदर्भ में ये जो अपडेट निकल कर आया था तो उसी अपडेट के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, साथ में इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इसके बारे में सभी को पता चल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और उसके बाद एक बेल का बटन भी आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।